श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णसेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मास्टरमाइंड वीरेंद्र चरण के पिता नरेंद्र चरण ने दुखी मन से अपने ही बेटे को नालायक बताया है। सुजानगढ़ के गांव बोबासर में रहने वाले सामान्य किसान नरेंद्र चरण का कहना है कि उनके बेटे ने प्रदेश को अशांत करने का काम किया है, जो उसकी समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि राजू ठेठ सुखदेव सिंह की हत्या के मामलों में उनके परिवार व उनके समाज के लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि 2007 में ही मैंने उसे बेदखल करके घर से निकाल दिया था, तब से न तो वो घर पर आया है और न ही उसकी घर में कोई जगह है। गौरतलब है कि वीरेंद्र चरण सुजानगढ़ के सदर थाने का शिष्ट है, जो कई प्रकरणों में फरार चल रहा है। हाल ही में सुजानगढ़ में JDC ज्वेलर्स पर अप्रैल माह में हुई फायरिंग के प्रकरण में भी मास्टरमाइंड के रूप में वीरेंद्र चरण का नाम सामने आया था। दूसरी ओर इस मामले में सुजानगढ़ ASP सुनील कुमार ने कहा है कि पुलिस जी जान से हिस्ट्री शीट वीरेंद्र चरण की तलाश करने में जुटी हुई है। ASP ने बताया कि सदर थाने का हिस्ट्री शीट वीरेंद्र चरण है और JDJ पर हाल ही में हुई फायरिंग के पीछे भी उसी का हाथ था। आसपास के थानों में कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस उसकी तलाश में जी जान से जुटी हुई। आप ही देखिए पुलिस इस बारे में क्या कर रही है और वीरेंद्र चरण के पिता नरेंद्र चरण उसके बारे में क्या कह रहे हैं। बहुत ही बुरी बात है हमारे लिए भी, समाज के लिए भी, सबके लिए। आजमानी जो आदमी राजपूत समाज को आदमी और जगह ने बहुत बुरी तरह से एक निर्दयता से हत्या करी है, बहुत जघन्य अपराध करी है। उनके साथ भी अन्य लोग मारे गए हैं, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी उसमें भी बड़ी नहीं आया, 4 आदमी 5 आदमी उसके साथ मारे गए, बेचारा माँ को कहीं कसूर है। तो घर में वीरेंद्र कब से आता है या कितने दिनों से नहीं आ रहा है? मैं तो शायद 2007 के बाद में हमारे पड़े सब में पकड़ दे दिया, ठीक है। बाद में नहीं कभी घर बढ़ने की कोशिश करी, हमारा माता जी पिताजी गुजरा तो भी समाज का लोग हमारा भाई बंधु को ही माता दबाव दिए, लेकिन मैं कौन बढ़ दिए तो कभी नहीं बढ़ दिए। वीरेंद्र ने कब से जो अपराध की दुनिया में दखल रखा? ये 2005 से ही बैठे छोटा मोटा अपराध, चोरी चकारी, मतलब कोई लड़किया ने छेड़ना इस प्रकार घर के तंग करने लाग दो, जो गांव का लोग मतलब कोई जिदार आदमी आई ओड़ मोड़ देता, भरूंगा चीज बर्दाश्त को नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं समझाए बुझाए हमारा पिता भी जी भी समझाए बुझाए और भी बास बस्ती का जो हमारा कोई निजी आदमी जो, लेकिन कहते कोई प्रभाव कौन पड़े समझाने को। आखिर क्या मान है एक नाई गाई की लड़की ने छेड़खानी करी भी कर चलते मैं खेत के मान माल जुटा दी, मगर भी के बाद में हिम्मत ही की बड़ी बनी घर आने की बड़ी बनी। आपने उसे बेदखल कर दिया? हाँ। अब अगर वीरेंद्र को आप मीडिया के जरिए क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे गए भी तो कमीने आदमी के, क्या तो मीडिया उसका करेगी, क्या कोई और कोई करेगा, क्या मैं उसके बारे में बताऊँ? बड़ी है दृष्टि साज मेरे को भी समाज में कोई जीत थोड़ी है। दूसरी बात है वो समाज के मान लो माने हुए व्यक्ति को मारा है राजू ठेठ को, एक ये गोगा मेडी वाले सुखदेव सिंह जी है, तो भाई इनके लिए मैं दोनों समाज से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा ये बेटा तो काय का है, लेकिन जो रिश्ता है वो तो थोड़ा टूटेगा। आपने भी LLB की है, पुलिस प्रशासन जो को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है, पुलिस से आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन कोई नाकाम नहीं हो रहा, पुलिस प्रशासन जी जान से लग गया पकड़ने में। देखो आपने बात बताऊं, पकड़ने के बाद माने सामने लिए कौन छुड़ावे कहीं करे भी, पुलिस से थे में ही कहीं करा, पुलिस तो मान लो पकड़ माने औलाद में बंद करावे सब बात बाद के मान एक गुंडा क्यों किस प्रकार छूटे भी मान, पुलिस की तो नाकामी कहीं माना, मेरी नजर में पुलिस की कोई नाकामी नहीं है। जो दुष्ट पैदा है ना बांके बाबत में के भला आदमी का बुरा पैदा हो जाए, बुरा आदमी के भला परिवार में जन्म जाए, तो ये एक शाश्वत सत्य भी है के भला बुरा के होते हरी बिगड़ जाते है वंश, विरोचन के बलि जन्म उग्र सेन के कंसे, उग्र सेन जी क्या ला महात्मा धर्मा जगह देखो कंस ज्या लो महादुष्ट है, विरोचन महादुष्ट हो जगह राजा बलि ज्यादा सुबह के टाइम में नाम जाओ निशान नहीं है साहब घर के, उसको 2007 में निकालने बाद में जो भी मान लो कुछ था ही नहीं, जो था उस मैंने उसको यहाँ नहीं रहने दिया, मेरा उसने तालुका दे नहीं रहा, घर में जल में जाओ उसको तो मैं क्या करूँ,
उसको सही चीज आज तक न दी है, न घर में बड़े घुसने देता। पुलिस थाना सुजानगढ़ सदर का हार्डकोर बदमाश और हिस्ट्री सीटर एक वीरेंद्र कार नाम का व्यक्ति है, जिसका अभी भी हाल फिलहाल राजू ठेठ और जो सुखदेव सिंह होगा मोदी का हत्या हुई उसमें भी उसका नाम आ रहा है। हालांकि वो तफ्तीश का विषय है और वो संबंधित एजेंसी से उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जहां तक सुजानगढ़ सदर थाने का सवाल है तो यहाँ ये एचएस है और इसके खिलाफ सुजानगढ़ और राजस्थान के अलग अलग थानों में 12 मुकदमे तो यहाँ दर्ज है और इसके अलावा अन्य मामलों में भी उसको नामजद किया जा रहा है। यहाँ पर सुजानगढ़ शहर में जे डीजे ज्वेलर्स से फायरिंग हुई थी, उसमें वो वांटेड है। उसको पकड़ने के लिए जिला स्तर पे गंभीरता से प्रयास किए जा रहे और उम्मीद है कि अन्य मामले साथ साथ इस मामले में उसकी शीघ्र गिरफ्तारी होगी।